Hey guys, welcome back to the channel. Today I again come back after 45 days और मैं आई हूँ एक नई सीरीज के साथ जिसका नाम रहने वाला है एग्जाम्स की तैयारी करेंगे ब्लॉग से. एपिसोड 1 अकाउंटिंग रूल्स. सो गाइज, देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूल्स. हम दो तरह के रूल्स से अकाउंटिंग कर सकते हैं क्योंकि जो रूल्स होते हैं ना वो बेसिक्स होते हैं, पूरे बेसिक्स. और जब हमें रूल्स पता चल गए तो हम कोई भी एंट्री, किसी भी तरह की एंट्री पास कर सकते हैं. सो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर अकाउंटिंग. रूल नंबर 1, जो टाइप नंबर 1, ट्रेडिशनल रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स. ट्रेडिशनल रूल्स में हमें तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, रियल, नॉमिनल, पर्सनल. जो नॉमिनल रूल होता है ना, वहाँ पर हम सभी जो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, उन्हें डेबिट करते हैं और जो भी इनकम्स और गेंस होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं. और इस रूल को कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस. और हमारा सेकंड आता है रियल रूल, जहाँ पर हम कहते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि क्या आया और क्या गया. अगेन आई एम रिपीटिंग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रूल नंबर 3, पर्सनल. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट उसे करते हैं जो रिसीव कर रहा होता है, क्रेडिट जो गिवर होता है. आई एम अगेन रिपीटिंग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. तीन रूल्स आते हैं इस कैटेगरी में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल. रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. द सेकेंड टाइप ऑफ रूल इज दैट मॉडर्न अप्रोच. और मैंने भी जो अकाउंटिंग है वो मॉडर्न अप्रोच की वजह से ही सीखी है. मॉडर्न रूल्स में हमें पांच चीज़ों का पता होना चाहिए, फर्स्ट कैपिटल, सेकंड एसेट्स, थर्ड लाइबिलिटीज, फोर्थ एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ रेवेन्यू अकाउंट. सो ये जो होते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज होगी, अगर सपोज इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो हम उसे लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ कि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो हम क्रेडिट करेंगे. ओके, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड ही हमेशा रिकॉर्ड हुआ होता है. और जब हमारी कैपिटल जो डिक्रीज होगी उसे हम डेबिट करेंगे. ओके, और नेक्स्ट आता है हमारा एसेट्स. जब एसेट्स इंक्रीज होंगे उसे हम डेबिट करेंगे, और जब डिक्रीज होंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे. फिर आती है हमारी लाइबिलिटीज. जब लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो हम उन्हें क्रेडिट करेंगे, घटेगी तो डेबिट करेंगे. फिर आती है एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, यानी कि हमें प्रॉफिट हो रहा है. रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट. सो देयर द बेसिक रूल्स फॉर अकाउंटिंग. एंड हम इसे इन डिटेल हम अगले पार्ट में बात करने वाले हैं, अगले मिनी ब्लॉग में बात करने वाले हैं, जहाँ पर हम सीखेंगे कि इन रूल्स की वजह से हम एंट्रीज कैसे पास कर सकते हैं. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.